यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत की संविधान की आर्टिकल 44 के विच दर्ज है। उस वेले डॉक्टर रजिंद्र प्रसाद जी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन सी, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी जिहड़ी ड्राफ्टिंग कमेटी उहदे चेयरमैन सी, और उस तो बाद जिहड़ा 1995 च जस्टिस कुलदीप सिंह ने एक फैसला किया सी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट दे विच, क्योंकि एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म नूं मनता सी, उहदी शादी होई सी, उहने अपनी घरवाली नूं छड्ड दित्ता, औरत गई सुप्रीम कोर्ट, उहने कहा जी मैं तां हुण मुसलमान बन गया। वो कहने लगे कि जज साहब का फैसला सी कि यह नलीफाई नहीं हुंदा जे तां पहला विआह हैगा तेरा, इस करके तेरे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज होएगा। और उहदे च उन्होंने ऑब्जरवेशन दी सी कि जिहड़े यूनिफॉर्म सिविल कोड बनया होवे ते इस तरह की जिहड़ी ठगी है या हीरा बंद हो जाएगी। सो उस तो बाद होर सुप्रीम कोर्ट के जजिस ने बहुत सारे ने, तो पिछले ला कमीशन ने भी एक लोगों तो राय मंगी सी, हुण भी ला कमीशन ने लोगों तो राय मंगी है सारिया तो। सो उस जिहड़ी है मैं समझना लोगों नूं अपनी राय देनी चाहिए है, जिहड़ियां उन्हां नूं अपने धर्म नूं दी रिप्रजेंटेशन करनी चाहिए है, सरकार नूं दे नाल जिहड़ियां वार्ता करनी चाहिए है, तां कि अपने धर्म का पक्ष सही ढंग नाल लॉ कमीशन दे अगे रख्या जा सके। क्योंकि सर कहा जा रहा है कि अभी तक तो आनंद भाई एक्ट जो है सिखों का वो अभी तक पूरे देश में लागू नहीं हो सका है, और ये यूसीसी अब ऊपर से आ गया है कि लोग सिख समाज के लोग ये भी कह रहे हैं कि अब वो आनंद मैरिज एक्ट है वो खत्म हो जाएगा अगर यूसीसी बन जाए तो। आनंद मैरिज एक्ट जो है वो जो गुरु ग्रंथ साहब की लावा है उसकी शादी को मान्यता देगा, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है जो लिखा गया है उसमें आएगा भी कि सभी धर्म की शादियों को मान्यता मिलेगी, ना जो लामा के मुताबिक शादी होती है उसमें भी होता है, लेकिन अनार मैरिज एक्ट में लॉ ऑफ अडॉप्शन नहीं है, लॉ ऑफ डाइवोर्स नहीं है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नहीं है। तो ऐसे कानून तो अभी भी 1955 के हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट में ही आते हैं, तो उसमें ये खुला है मामला, इसमें सभी को अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेज है, हमें सबको उसमें अपना अपना पक्ष रखना चाहिए, पक्ष रखने से दूर नहीं होना चाहिए, जो जो गैलरी में लड़ते हैं वो बंद करना चाहिए। 1909 में आनंद मैरिज एक्ट बना था, अरे भाई 114 साल तो तुमने पंजाब में लागू नहीं किया, आज भी पंजाब में लागू नहीं है, मुझे 1.5 साल हो गया घूमते, 9 स्टेटों में लागू करवा सका हूँ, चंडीगढ़ में अभी मार्च में किया है, तो उसके लिए तो जितनी सरकारें बनी हैं, कितने पार्लियामेंट भी आए, कुछ आए, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम एजिटेशन खड़ी तो करते हैं, उसका हल की तरफ आगे नहीं बढ़ते। रिकमेंड नहीं करूँगा, अभी इट्स अ वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज, हर आदमी को अपने बात कहने का हक है, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि जो हमें ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि अभी उसने इट्स ए वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज, उन्होंने राय मांगी है, सुझाव मांगे हैं, अपने सुझाव देने चाहिए। आप माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं, अलग अलग जो जो चाहे माइनॉरिटी कमीशन की बात कर कम्युनिटी की बात करें, सिख जैन मुस्लिम सभी के रिव्यू आ रहे हैं आपके पास? नहीं, ये तो लॉ कमीशन के पास जाने चाहिए ना, मेरे पास क्यों आएंगे? हाँ जी, लॉ कमीशन हैज आस्क्ड फॉर इट, मैं सभी को कहता हूँ कि अपनी राय लॉ कमीशन को दीजिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है हमारी ऑब्लिगेशन वो पूरी होनी चाहिए, किसी के साथ ठगी नहीं होनी चाहिए। एक फिल्म एक्टर ने ऐसा जैसे जस्टिस कुलदीप सिंह ने केस में फैसला किया और किस समय फैसला हुआ, वो फिल्म एक्टर है मशहूर, उन्होंने मुसलमान बन के दूसरी शादी कर ली, तो लेकिन वो शादी करने के बाद फिर मुसलमान नहीं रहे, तो ऐसा जो है ना, इसको जो मिस यूज़ ऑफ दिस प्रोविजंस, अगर उसमें कुछ यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी
तो औरतों की और की सभी समस्याएं का हल करना बहुत आसान है। ये जो कानून बनते हैं वो लोगों की हेल्प के लिए बनते हैं, लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए बनते हैं। और देश की आज़ादी को 75 साल हो गए, हम अमृत काल मना रहे हैं, आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, तो इसमें जो हमारे बुजुर्गों ने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न बनाई थी उन सब को लागू हो और उनके साथ हमारा देश मजबूत होगा, हमारा भाईचारा मजबूत होगा, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का अच्छा समय आएगा।